नमस्कार दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा और आई प्रोसीड कि आगे भी इसी तरह से आपका दिन बना रहे। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो आप सभी लोगों के लिए, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे डिमांड किया था कि सर एक टाइम मैनेजमेंट को लेके कुछ वीडियो बनाइएगा सो दैट हम IBPS RRB PO में एक मैक्सिमम अटेम्प्ट तक पहुँच सकें, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे ऑलरेडी सेक्शन वाइज टाइम अलॉट नहीं होता है। क्योंकि हम जितने भी IBPS बेस्ड एग्जाम देते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के मेंस में या इवन प्री ऑल्सो, वहाँ पे सेक्शन वाइज टाइम अलॉटेड रहता है। तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट का इतना इशू, मतलब एज पर कौन सा सेक्शन पहले करें बाद में करें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 2015 से पहले जितने भी एग्जाम होते थे इसी पैटर्न पे हुआ करते थे, लेकिन RRB ने अभी तक अपना ये पैटर्न चेंज नहीं किया है। तो मेंस में इसमें पांचों सेक्शंस होते हैं, पांचों सेक्शंस क्यूमुलेटिव टाइम के साथ दिए जाते हैं जो कि 2 घंटे का है, और इसके साथ आप लोगों को अपने अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना होता है। इस क्यूमुलेटिव टाइमिंग में इश्यू ये हो जाता है कई बार किसी सेक्शन के ज्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं और कोई सेक्शन पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाता है। ये बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है और इस तरह के एग्जाम्स में फिर आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट का स्किल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये टाइम मैनेजमेंट हम शुरू से बताते रहे हैं, जो बच्चे मेरे सेशंस को ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं हमेशा से बताता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पेपर के लिए आप लोगों का अप्रोच किस तरह का होना चाहिए। अब देखिए, एंड मोमेंट है, अभी 3-4 दिन रह गए हैं। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इसमें अब मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ रखा है तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि आप उसके मेरे बताए हुए तरीके के हिसाब से बिल्कुल उसको एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से चेंज कर दें। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस आप अपने तरीकों में ला सकते हैं। ठीक है, मैं सेक्शन वाइज भी आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को पहले उठाएं, किस तरह के क्वेश्चन को बाद में उठाएं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करके दूंगा। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों का थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, आराम से सुनिएगा, एक एक चीज मैं आपको रिलेवेंट तरीके से बताऊंगा। ये कंप्लीटली मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे है, इसको प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि यही एक लॉजिक है जिससे आप कर सकते हैं। ये मैं प्लीज क्लियर करना चाहूंगा, नहीं तो बाद में कई बच्चे ऐसा ऑफेंड हो जाते हैं कि सर यही किया तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आप जो तरीका पैटर्न, अगर आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ लिया है तो उसको चेंज मत करिएगा। ठीक है, क्लियर, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, अगर आपके पास अभी भी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, सॉलिड प्लानिंग नहीं है, तो आप इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको अडॉप्ट करने से पहले 2 या 3 मॉक इस पैटर्न में जरूर दीजिएगा सो दैट यू गेट यूज टू विद दिस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके पेपर को दो तरह से बांटना चाहूंगा कि दो तरह से पेपर बढ़ता है आपका। यू हैव 5 सेक्शंस इन IBPS RRB PO। इसमें 3 पेपर आपके ऐसे हैं या 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आप विदाउट पेन यूज किए या रफ शीट को यूज किए सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश है या हिंदी लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है और कंप्यूटर अवेयरनेस है। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो विदाउट पेन आप बना सकते हैं, यानी इसको सॉल्व करने के लिए आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पढ़ना है, सही आंसर को सोचना है, याद करना है या देखना है और एनालाइज करके यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। क्लियर, जबकि 2 सेक्शन ऐसे होते हैं जो आपको पेन को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, रफ शीट को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो मैं इस चीज में हमेशा से प्रेफर करता हूं, अगर पेपर में ऐसा कोई सेक्शन है जो विदाउट पेन और पेपर हो सकता है तो पहले उसको खत्म कर दें, क्योंकि इसकी खासियत ये होगी, एक तो कम समय में हो जाएगा क्योंकि इसमें पेन पेपर नहीं लग रहा, दूसरा सेक्शन का जो मतलब मार्क्स वगैरह है वो सब बराबर से ही रहेंगे। ठीक है ना, इसके सब लॉजिक्स मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हालांकि मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर आपको 40 क्वेश्चन से बट 20 मार्क्स ही है। ठीक है ना, तो ये सारा चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इससे आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। तो ये तरीका मैं आपको बताऊंगा, और मैं क्यों सजेशन करता हूँ या मैं क्या बताऊंगा इसके पीछे हर तरह का लॉजिक भी रखूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, जिस तरह ये इस तरह के जो पेपर होते हैं जहां पे 5 सेक्शन क्यूमुलेटिव आपके सामने आते हैं विदाउट सेक्शनल टाइमिंग, तो वहां पे ना आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोच लिया है कि यार मैं इंग्लिश को 25 मिनट दूंगा, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, तो आपको बस वो 25 मिनट में छोड़ देना है, फिर उसके ऊपर 1 मिनट नहीं होना चाहिए। ये माइंड सेटअप होना बहुत जरूरी है। अगर आपने सोचा है यार जनरल अवेयरनेस आई विल गिव 15 मिनट, तो वो 16वें मिनट तक नहीं जाना चाहिए। उस 15 मिनट में अगर आपसे 30 क्वेश्चन भी बन पड़े हैं तो थोड़ा सा आपको वो साहस करना पड़ता है, वो करेज लेना पड़ता है, क्योंकि आपने प्लानिंग ऐसी की है। क्योंकि अगर आप 1 भी मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो किसी और सेक्शन का टाइम खाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा था कि मैं जनरल अवेयरनेस 15 मिनट में करूंगा और QA को मैं 40 मिनट दूंगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना, एक मैं एक डमी एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना।
ठीक है, मान लीजिए आपके पास लास्ट के 55 मिनट बचे और आपका टाइम मैनेजमेंट इस तरह से था कि मैं जनरल अवेयरनेस को आई विल गिव 15 मिनट्स एंड कम क्यूए को आई विल गिव 40 मिनट्स, तो होता क्या है कई बार हम फ्लो के साथ चले जाते हैं। मान लीजिए 15 मिनट आपने दिए और उसमें आपके अटेम्प्ट कम हुए या कुछ हुआ, तो उस केस में आप थोड़ा बहुत मार्जिन ले सकते हैं कि यार चलो 5 मिनट में और ले लेता हूं सो दैट मेरा सेक्शन खराब ना हो जाए। लेकिन अगर आप एक सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट तक पहुंच गए, 40 में से आपने 30 के करीब कर लिया, 28-30, यहां पे फिर लालच हो जाता है, फिर आप सोचते हैं क्यों ना 5 मिनट लेके मैं पूरा ही खत्म कर दूं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर इसके हिसाब से आपके क्वांट के 5 मिनट कम हो जाएंगे, माइट बी वो चीज आपको और स्कोरिंग खींचने में पीछे कर सकता है, ठीक है ना। हालांकि अब आपको पता नहीं क्वांट का लेवल क्या है, इजी है, डिफिकल्ट, वो तो जब आप सेशन में जाओगे तब आपको समझ में आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अंदाजा होना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्लियर। हाँ, इसके अंदर दो तीन चीजें वर्क करती हैं, अगर पेपर लेंदी आ रहा है या टाइम कंज्यूमिंग है तो थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट एट मोमेंट एग्जाम में बैठते हुए आप हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब ये पहले से डिसाइड करके नहीं जा सकते हैं कि यार क्वांट अगर 40 मिनट है तो 40, वो माइट भी 35 भी हो सकता है, माइट भी 30 भी हो सकता है, अगर बहुत आसान आ गया क्वांट, क्योंकि होता है कभी कभी क्वांट बेहद आसान दे दिया उन्होंने, तो आप फिर 40 मिनट क्यों देंगे उसको, फिर अगर आसान आया हुआ है तो आप 30 मिनट में भी अच्छा अटेम्प्ट खींच सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजंस होते हैं जो आपको एग्जाम में लेने होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक प्री डिटरमाइंड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि इनमें सेक्शनल टाइम जो सेक्शनल टाइमिंग दिया हुआ है अलॉटेड नहीं है थ्रू द एग्जामिनर, ये आपको बांटना पड़ता है, ठीक है। तो आई विल गिव यू द एग्जाम्पल कि किस तरह से आप इसको ले जा सकते हैं। ये मेरा एक स्टैंडर्ड प्लान रहा है जो 2011-12 से जब मैं टीच कर रहा हूँ तब से हम, क्योंकि पहले सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी, पहले एक सिंगल एग्जाम हुआ करता था, प्री मेंस भी नहीं होते थे, केवल प्रीलिम्स एक ही सिंगल एग्जाम होता था और क्यूमुलेटिव टाइमिंग के साथ होता था, तो तब से हम ये तरीके को बच्चों को अडॉप्ट करवा रहे थे, तो बहुत अच्छे से बच्चे ने अपने अटेम्प्ट को उस समय पर भी इंक्रीज किया और आज भी ये बच्चों को हेल्प करता है। ये मेरा पैटर्न है और ये सीक्वेंस मैंने वही रखा है जिस सीक्वेंस में आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रायोरिटी दी है इंग्लिश को, ठीक है। अब ये इंग्लिश और करंट अफेयर आपके ऊपर है, आप इंटरचेंज कर सकते हैं, भाई मैं सीए पहले करूंगा, मैं इंग्लिश बाद में करूंगा, इट्स ओके। देखिए, शुरुआत के 3 सेक्शन मैंने जानबूझ के ऐसे ही रखे हैं जो कि विदाउट पेन करने वाले हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इनमें अगर आप टाइमिंग देखेंगे जो हमने अलॉट किया है, ये थोड़ा बहुत 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। इसमें ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, समझाऊंगा कैसे होता है। जैसे आपने सब्जेक्ट है इंग्लिश या हिंदी, इसको आपने 20 मिनट अलॉट किया और 20 मिनट में बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है ना। ये ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसका जो मेंस लेवल है इंग्लिश या लैंग्वेज का या हिंदी का, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं आता है, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रख लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है 20 मिनट से ऊपर लग रहा है, बाकी का स्टेटस देख के आप 1-2 मिनट का एडवांटेज ले सकते हो, लेकिन ज्यादा का टाइमिंग अलॉट नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसका एक एडवांटेज बता रहा हूँ कि क्यों पहले विदाउट पेन पेपर वाले सेक्शंस को उठाना है। देखिए, जो हमने टाइम अलॉट किया है, जैसे करंट अफेयर है, 15 मिनट में बहुत आराम से अच्छा अटेम्प्ट हो जाता है अगर आपको आता है तो, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है और आपको करंट अफेयर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो 15 मिनट 40 क्वेश्चंस के लिए इज वेरी गुड अलॉटेड टाइम, ठीक है। थोड़ा क्विक आपको बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा तेज पढ़ना पड़ेगा आपको, आई डू एग्री, बट इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गलत पढ़ रहे हैं, गलत टिक कर रहे हैं, वो ना होना, हड़बड़ी नहीं होना इसमें, और 15 मिनट में बड़े आराम से आप इस सेशन को कवर कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस है, कंप्यूटर अवेयरनेस भी 15 मिनट में बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये तकरीबन 50 मिनट के अंदर अंदर, 50 मिनट के अंदर अंदर आप तकरीबन 60% पेपर को अटेम्प्ट कर जाते हैं, यानी लेस देन हाफ टाइम आपने मोर देन या अप्रोक्सीमेट 60% पेपर को अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज आपको दे देता है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो जाता है कि भाई अभी केवल 40% पेपर बचा है, हालांकि वो बहुत बड़ा पेपर है, ऐसा छोटा नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल विन हो जाती है आपकी, ठीक है ना। तो ये एक एडवांटेज आपको मिलता है। दूसरी चीज, सपोज क्वांटिटेटिव और लॉजिकल, ये दोनों ही सॉल्व करने वाले पेपर हैं, और कई बार ऐसा होता है इन दोनों में से कोई एक सेक्शन डिफिकल्ट दे दिया जाता है, अब कौन सा देंगे वो एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन 2-3 सालों से ऐसा होता है किसी पेपर में क्यूए डिफिकल्ट है, किसी में एलआर डिफिकल्ट है, अल्टरनेट चलता रहता है ये कभी ना कभी, ठीक है। तो अब होता क्या है, अगर पेपर डिफिकल्ट आया है तो ओवरऑल अटेम्प्ट खींचने में दिक्कत होती है, तो मैं हमेशा कहता हूं अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको ज्यादा समय ना दे, क्योंकि उसमें ज्यादा समय देके भी अटेम्प्ट नहीं बढ़ेंगे। तो इन दोनों में से जो आसान लग रहा है एज पर द पेपर सिचुएशन, आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए,
फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर में गया और मुझे लगा यार क्वांट थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, डीआई भी लेंदी है, वर्ड प्रॉब्लम भी लेंदी है, तो मेरा माइंड सेटअप ये जाना चाहिए कि क्यों ना मैं क्वांट का 5 मिनट जो है, ये एक्स्ट्रा 5 मिनट, ये 35 मिनट मैंने इक्वली बांटा है, बट कोशिश कीजिए इसको 32 या 38 कर सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोनों में से एक सेक्शन काफ़ी आसान देते हैं, ठीक है ना, हर बार का ये थोड़ा सा पैटर्न रहा है, तो जो थोड़ा कंपैरेटिवली आसान लग रहा है आप उसको थोड़ा सा समय ज़्यादा दे सकते हैं, दिस इज माई सजेशन टू यू, ठीक है, क्लियर, ओके। उसके बाद आपका कॉल होता है कि आप इसको किस तरह से मैनेज करते हैं, तो एक सजेशन टाइम यही है कि 35 मिनट तो दे सकते हैं आप, आराम से दोनों सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं, लेकिन आपको यू हैव टू बी क्विक इन योर अटेम्प्ट्स, ओके। बहुत ज्यादा समय एक क्वेश्चन पे नहीं व्यतीत करना है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को ज्यादा समय दे दोगे क्या पता कोई दूसरा सेक्शन खराब हो जाए, ठीक है, तो ये एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट होता है जिससे आपके अटेम्प्ट भी बैलेंस्ड रहते हैं और इससे आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि यार मैं ओवरऑल कितने अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, और ये काफी बैलेंस्ड है, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा ये चीज। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अब कई लोगों का हैबिट ये होता है वो एलआर पहले उठाते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग इज सच काइंड ऑफ टॉपिक जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, लॉजिकल रीजनिंग एक हमेशा एक टॉपिक है जो आपको शुरू से कॉन्फिडेंस देता है कि यार ये मुझे स्कोर देके जाएगा, ये पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा है या सेशन ऐसा है जो मुझे अच्छा स्कोर देता है, तो बहुत सारे बच्चे लॉजिकल रीजनिंग से शुरू करते हैं, तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कुछ बच्चों के साथ, मैं जो डिटरमाइंड है, जो वेल सेटल्ड है, उनके साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी एग्जाम के फ्लो में ऐसा होता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग हम बना भी रहे होते हैं और बन भी रहा होता है, तो वहां क्या होता है कई बार हम टाइमिंग पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और हमने अलॉट किया होता है 35 मिनट या 40 मिनट या वट एवर मिनट, और हम बनाने के फ्लो में बनाते चले जाते हैं, क्योंकि वो पहला सेक्शन होता है और बहुत दम लगा के हम बना रहे होते हैं और मेंस का प्रेशर होता है, और कभी कभी गलती से अगर आपने थोड़ा भी समय ज्यादा दे दिया इसमें तो आपके बाकी सेक्शंस का टाइम मैनेजमेंट, स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टाइम मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ हो जाता है, और उसका प्रेशर कहीं ना कहीं पेपर में, पूरे पेपर में दिखाई देता है, तो कोई सेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा टाइम देना भी खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा एक चीज ऐसी होती है, मैंने बहुत बार देखा है कई बच्चे जल्दबाजी में ये गलती कर देते हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनका पहला मेंस है, जो फर्स्ट टाइम मेंस अपीयर कर रहे हैं, उनके साथ ये अमूमन गलती हो जाती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर किसी के साथ होगी या हर कोई करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है हम फ्लो में बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, ऐसा हो रहा है ना, बन रहा, आपने कभी नोटिस किया होगा, हम एकेडमिक ईयर में जाते थे, 10th का पेपर है, 12th का पेपर है, बोर्ड पेपर है, आपका पैटर्न कैसा होता, 3 घंटे का समय मिलता था, 14 से 15 क्वेश्चन आपको बनाने होते थे, तो होता क्या था, आप शुरुआत के सेक्शन में बड़ी राइटिंग जमा जमा के लिखते थे, 2-3 कलर ऑफ पेन का यूज करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ता जाता था फिर पेन कम होने शुरू हो जाते थे, फिर राइटिंग बिखरनी शुरू हो जाती थी, सेम यहां पे भी हैपन होता है, जो सेक्शन आप पहले उठाते हो आप उसको अपना 110% देने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर वह उसका इंपैक्ट आपके आगे आने वाले सेक्शंस में रहता है, और मैं एक बताना चाहूंगा, देखो इंग्लिश है, हिंदी है, बाय चांस अगर खराब भी हो रहा है तो उस टाइम पे पता नहीं चलता है हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, सेम विद करंट अफेयर ऑल्सो, सेम विद कंप्यूटर ऑल्सो, अगर ये सेक्शन आपके बिगड़ भी रहे हैं शुरुआत में तो इसका प्रेशर आपके इन दो सेक्शन पे उतना नहीं आता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और शुरुआत में मान लो आपने एलआर उठाया और बाई चांस एलआर ही डिफिकल्ट निकल गया और एलआर से आपका बहुत भरोसा था, तो आपका पूरा पेपर लगभग फिर वो खराब होने की तरफ चला जाता है, तो ये भी एक एडवांटेज होता है, साइकोलॉजिकल चीजें थोड़ी सी है लेकिन ये इंपैक्ट करती है इन एग्जामिनेशंस, ओके। तो ये मैं बता रहा हूं मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से और बच्चों के फीडबैक से, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, और मैं ये कह रहा हूं अगर कोई बच्चा कोई और पैटर्न फॉलो करता है तो बिंदास कर सकता है, मैं किसी को चैलेंज या किसी को कोई फॉल्स वो चीजें नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, दिस इज अबाउट माई एक्सपीरियंस, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको फॉलो करो और इसको ट्राई कर सकते हो, और मेरी ये थोड़ी सी ये रहती है कि ये सजेशन भी रहती है कि हाँ इट विल गिव यू बेटर अटेम्प्ट एंड बेटर कॉन्फिडेंस इन योर एग्जामिनेशन, ओके, क्लियर है दोस्तों, तो एक ये पैटर्न है, अच्छा है, ये तरीका है, आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, आपको इन दो सेक्शंस में बहुत केयरफुल रहना है, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट। अब कई बच्चों का सवाल ये होता है कि सर लॉजिकल पहले करें कि क्वांट पहले करें इन दो बचे हुए सेक्शंस में, तो मैं हमेशा सजेशन देता हूं क्वांट कभी लास्ट में मत रखिए, आपका लास्ट सेक्शन क्वांट नहीं होना चाहिए, रीजन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, मान लीजिए आपने पहले एलआर कर लिया, आपने 35 मिनट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 35 मिनट आपने क्यूए रखा हुआ है, ठीक हो गया, लास्ट के 35 मिनट क्यूए रखा हुआ है, तो होता क्या है जब लास्ट के 5-10 मिनट होते हैं आपने देखा होगा टाइमर रेड हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर देता है, वहां पे प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्वांट में मोस्टली ऐसा होता है, चाहे क्वांट कितना भी अच्छा रहेगा एक बार टाइमर का प्रेशर लगा दिया जाए आपके ऊपर
गन लगा दी जाए टाइमर की, तो फिर उस प्रेशर में बनते हुए क्वेश्चन भी बनने बंद हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, या फिर कैलकुलेशन एरर होने लग जाता है क्योंकि कैलकुलेशन के ऊपर क्वांट टिका रहता है। तो बहुत बार ये चीज़ देखी गई है, तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लास्ट में क्यूए मत रखिए, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे देखे जिनका क्यूए बहुत स्ट्रांग है, बट लास्ट में रखने की वजह से कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो ये एक चीज़ मेरा सजेशन है, क्वांट को लास्ट में मत रखिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई और प्रॉब्लम है, तो क्वांट पहले ले लो, चाहे ये टाइमिंग नहीं एडजस्ट होती, किसी ऐसे सेक्शन को लास्ट में लो इन तीनों में से जिसको आप एंड में हैंडल कर सको, ठीक है। ये मेरा एक सजेशन है, क्वांट को प्लीज लास्ट के लिए मत छोड़ना, बस एक ये मेरा एक सजेशन मान लेना अगर कर सकें तो, ठीक है। दूसरी चीज, कई बच्चों के माइंड में आता है सर एलआर जब हम करते हैं तो क्या पहले मिसलिनियस करें, लास्ट में सिटिंग अरेंजमेंट करें, कईयों का ये सवाल बहुत होता है। तो मैं अगेन मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए लास्ट में सिटिंग अरेंजमेंट रखने का नुकसान क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आप लोगों के साथ हुआ भी होगा ऐसे। पहले हम भी ये सजेशन देते थे कि लास्ट में रखो अरेंजमेंट, लेकिन पहले के पेपर में और आज के पेपर में फर्क है। पहले क्या होता था, सिटिंग अरेंजमेंट एक या दो या तीन आया करते थे, लेकिन आजकल चार चार पांच पांच सिटिंग अरेंजमेंट दे दिए जाते हैं। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस माइट भी ऐसा हो जाए कि आपको 20-25 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये सही स्ट्रेटजी नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा डुएबल लग रहा है आपको, बनाने लायक लग रहा है, उसको लास्ट के लिए मत रखिए, फ्लो के साथ बनाते चले जाइए, ठीक है। आरबी आरआरबी पीओ मेंस में हालांकि ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही लेंदी या डिफिकल्ट पजल वगैरह दे देंगे, हाँ एक आध या दो दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पांच पजल दिए या सेटिंग अरेंजमेंट दिए हैं तो माइट भी उसमें से तीन डुएबल होते हैं और दो ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आप उन दो को छोड़ सकते हो, उनको बाद के लिए रख सकते हो, लेकिन ये जो तीन होते हैं इनको फ्लो के साथ कर दो। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, आप सारे मिसलेनियस पहले कर ले तो लास्ट में सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ देते हो, बट होता क्या कई बार ऐसा होता है आप पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बना के बैठे हो पूरी मेहनत करके, कई बार ऐसा होता है टाइम अप हो जाता है, आप क्वेश्चंस को टिक नहीं कर पाते हो, तो ये बड़ी चोट हो जाती है बच्चों के साथ। मान लीजिए आपने मिसलेनियस वगैरह सब खत्म किया, आपने लास्ट के 35 मिनट रीजनिंग को दिए, आपने 25 मिनट में तकरीबन सारे मिसलेनियस खत्म कर दिए और एक आध सिटिंग अरेंजमेंट भी बना दिया, अब आप लास्ट में सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हो और अगर वो छूट गया, आपका बन गया बट आंसर टिक नहीं कर पाए, तो ये लास्ट के तीन या चार मिनट वेस्ट करने जैसे हो जाते हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ओके गाइज। तो थोड़ा इससे बचने का, कई बार आसान और डुएबल सिटिंग अरेंजमेंट पजल भी होते हैं मेंस में, ऐसा नहीं है कि सारे सिटिंग अरेंजमेंट पजल डिफिकल्ट है, ठीक है ना। जैसे कई बार अरेंज वो मीटिंग्स वगैरह के आते हैं, आपने देखे होंगे 4 मंथ्स देके दो डेज दे दिए जाते हैं, हालांकि ये प्री का पैटर्न है, बट मेंस में वो क्या करेंगे 6 मंथ देके दो डेज दे देंगे ताकि 12 लोगों को अरेंज करना है, तो वो डुएबल होते हैं क्वेश्चंस, वो छोड़ने लायक नहीं होते हैं। तो अगर आप फ्लो के साथ उसी टाइम खत्म कर दोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, यस आई कैन मैनेज दिस, ओके। और एक लास्ट टिप है, अगर मान लीजिए लास्ट में आप लॉजिकल रीजनिंग कर भी रहे हैं और आपके पास 4-5 मिनट बचे हैं और एक सिटिंग अरेंजमेंट बचा है, तो उसको बनाने के बजाय आई वुड सजेस्ट मैथ्स कर लीजिए, या फिर कोई सेक्शन में अगर आपकी कमी रह गई है या आपको लग रहा था मैं और अटेम्प्ट कर सकता हूँ, उस सेक्शन में चले जाइए, क्योंकि लास्ट के 4-5 मिनट में कई बार ऐसा होता है आप पजल बनाते ही हो और बनते ही टाइम अप हो जाता है, तो टिक भी नहीं कर पाते हैं, तो इससे ना तो आपके अटेम्प्ट बढ़ते हैं, वो 4-5 मिनट भी वेस्ट हो जाते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें अगर जो हमने बताई हैं अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली, अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, तो देखिए अटेम्प्ट्स को पहले से दिमाग में मत रख के जाइए, इससे प्रेशर बिल्ड होता है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, पेपर की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अटेम्प्ट अपने आप रीअरेंज हो जाते हैं। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, जैसे क्वांट है, कई बार ऐसा होता है कि क्वांट बेहद अच्छा खासा आ जाता है, जैसे लास्ट ईयर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पीओ मेंस में अच्छा खासा आया था, तो उसमें बच्चों के 17-18 क्वेश्चन ही बने, प्लान करके गए थे 25-26, तो कई बार ये चोट हो जाती है, फिर 17-18 बनते हैं तो हम अपने आप पे प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन वो 17-18 भी अच्छे थे। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो 17-18 भी आपके लिए बहुत भारी काम करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें डिप्रेशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अटेम्प्ट को पहले से दिमाग में रख के मत जाइए, ये मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। कई बार जैसे होता है करंट अफेयर है, करंट अफेयर हम कई बार बहुत अच्छा पढ़े होते हैं और नो डाउट कॉन्फिडेंस होता है, तो हम कई बार ये सोचते हैं 40 में से 38-35 तो कर ही लेंगे, लेकिन कभी कभी पेपर अच्छा पूछ लिया जाता है। इस बार का आरबीआई असिस्टेंट उसका अच्छा एग्जाम्पल है, आरबीआई असिस्टेंट के मीन्स में करंट अफेयर जो था काफ़ी डिटेल और अच्छा पूछा गया था, तो वहाँ पे बच्चों को करंट अफेयर उन्होंने 40 के 40 उड़ा दिए, फिर भी पढ़ के गए थे, कॉन्फिडेंस भी था, बट क्वेश्चंस के पूछने का एंगल बड़ा कम खतरनाक था, तो वहाँ पे उस सेक्शन ने बहुत सारे बच्चों को अटकाया है उस एग्जाम के लिए। तो जो बच्चों ने कम किए थे लेकिन कॉन्फिडेंट थे उनका सिलेक्शन हुआ, आपने देखा होगा कट ऑफ भी काफ़ी कम रहा है, 86-84 के करीब महाराष्ट्र का कट ऑफ रहा है स्पेशली, ठीक है ना, ओपन कैटेगरी का, तो काफ़ी सही मतलब कट ऑफ था, कम था, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था आफ्टर एलपीटी आई थिंक 108 या 109 का कुछ था, 2017 का जो था,
तो इस बार का ये पेपर कभी कभी सरप्राइजेस से भरपूर होता है, तो इसलिए प्री डिटरमाइंड होके मत जाइए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कितना करेंगे सिलेक्शन हो जाए, तो यार ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। आप देखिए SBI PO prelims 2019 का जो SBI PO prelim था उसका कट ऑफ वो 71, इस साल का 58 है क्योंकि इस साल का पेपर भी डिफिकल्ट आया था। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं कट ऑफ्स वगैरह में, तो कट ऑफ को पहले से ध्यान में रख के मत जाइए। हाँ बस इतना रखिए कि हर सेक्शन एक अच्छा अटेम्प्ट हो, और एक आध सेक्शन में वो गेम कर सकते हैं। कोई भी सेक्शन, एक सेक्शन अगर उन्होंने लेंदी या डिफिकल्ट दिया है वही डिसाइडर हो जाता है समटाइम उस एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से जाइए, सिर्फ अटेम्प्ट के पीछे मत भागिए, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चे अटेम्प्ट के पीछे जाते हैं। मैं मानता हूँ अटेम्प्ट से फायदा मिलता है, नो डाउट मिलता है हर कोई, लेकिन अगर पेपर आसान होगा तो ऑटोमेटिक वो अटेम्प्ट आपके होंगे, लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो अटेम्प्ट करने में आपको बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे कुछ सजेशंस हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन सजेशंस हैं, वाकई में ये गलतियां आप करते आए हैं, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा, दो तीन दिन है, ये मैनेजमेंट मैनेज किया जा सकता है। मैं पढ़ाई के बारे में कोई चीज़ें नहीं बताया हूँ, मैं सिर्फ इतना बताया हूँ टाइम, कई गलतियाँ ऐसी कॉमन एरर है जो हम काफ़ी बच्चे करते आ रहे हैं, तो ये जो एरर है ये आप दो तीन दिन में रेक्टिफाई कर सकते हो अगर आप करना चाहें, अगर आप इनबिल्ड करना चाहें इन चीज़ों को, सजेशंस को, तो डेफिनेटली आपको अपने अटेम्प्ट्स में और साथ ही साथ एक्यूरेसी में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना पेपर देंगे, और प्लीज जैसा पेपर रहता है हमारा पढ़ाया हुआ आपके कितना काम आया, प्लीज कमेंट्स वगैरह में या फिर टेलीग्राम्स के जरिए जरूर हमें नोटिफाई करें, ताकि जब हम अगला सेशंस पढ़ाएंगे, नए सेशंस की तैयारी करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बारे में गाइड कर सके और बेहतर तरीके से गाइड कर सकते, आई वुड से, ठीक है। सो बाय बाय दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, टाटा, सी यू।